अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेरी और मैं हूं इस टाइम अकर फिका शॉप पर। अकर फिका शॉप जो है ये महमूद कसूरी रोड के बिल्कुल एंड पे अंडरपास के बिल्कुल ऊपर है। मैंने आज ऑर्डर किया है जी बीफ टिक्का, बीफ कबाब, मलाई बोटी और चिकन टिक्का। आइए ट्राई करते हैं कि इतने टेस्टी और इतने कबाबों की हाइप जो थी बनी थी उस टिक्के की इतनी हाइप थी ये उस पर पूरा उतरता भी है। सबसे पहले मैं ट्राई करूंगा जी बीफ टिक्का, ये मुझे बहुत पसंद है। अकरम टिक्का की जो असल में जो बात है ना यार, वो ये है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था हॉस्टल से रात को, जब हॉस्टल में अच्छा खाना नहीं बनता था तो मैं यहाँ पर आके टिक्का टिक्का खाया करता था। तब मैं खाता था चिकन टिक्का बोटी हो गया, मलाई बोटी हो गया, बीफ कबाब। लेकिन रिसेंटली मैंने ये डिस्कवर की है टिक्का बोटी एंड आई एम इन लव विद इट। बोतल ही लेके आ रहा यार भाई जान। अच्छा तुसी इत्थे नहीं होंदे? सॉरी 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 यार, पता नहीं था वो बंदा इधर। मैं कबाब ट्राई कर रहा हूँ, फिर मैं डिस्क्राइब भी करूंगा यार कैसे हैं। अब मुझे खाना तो दो। आप लोग सोच रहे होंगे नान के साथ क्यों नहीं खा रहा, नान के साथ मैं भी टेस्ट खराब कर लूँ नान के साथ खा के, तो डाइट कॉन्शियस भी तो हूँ ना, इसलिए मैं इस दफा हाँ ऐसी रूखा खा। जितना भी मर्चीला खाना खा लो, इनके साथ स्प्राइट ही क्यों सबसे ज़्यादा मज़े की बोतल लगती है, मुझे ये समझ नहीं आई बात। अच्छा मैं तुम लोग बात बताऊं, इनके पास दिल, पोटा, दुमची और विंग्स भी हैं। वो बाहर जब बंदा लगा रहा था ना, वो बड़ी लालच आई, लेकिन मैंने कहा यार नहीं, अभी इसका रिव्यू नहीं करना, अभी स्टार ऑफ द इवनिंग का करना है, दैट इज बी ओहो इनका। भाई अगर बात की जाए इन टिक्कों की, बीफ टिक्का की, ये इतने टेंडर हैं, इतने जूसी हैं और परफेक्ट लेवल ऑफ स्पाइसेस में, मतलब कि जो लोग स्पाइसी खाना खाते हैं उनके लिए तो बहुत मजे का ठीक है। उसके बाद ये मलाई बोटी बहुत मजे किया, चिकन की मलाई बोटी है, वेरी माइल्ड इन टेस्ट लेकिन अच्छी है, क्या मजे की है। ऐसे मैं जूसी बताऊँ मलाई बोटी क्यों होती है, चिकन चिकन टिक्का से मलाई बोटी क्यों जूसी होती है, मलाई बोटी में यूज होता है थाई का चिकन, थाई चिकन की जो होती है वो इट इज़ वेरी जूसी। जो अदर मतलब बाकी हिस्से होते हैं चिकन बोटी वगैरह में जो इस्तेमाल होते हैं वो ज़रा ड्राई होते हैं रात में चिकन। यार जो बीफ टिक्का होता है उसका ट्रेंड पंजाब में नहीं है ठीक है, ये कराची में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, कराची में बीफ बिरयानी, बीफ का ओवरऑल इन सेंस ये बीफ का बहुत ट्रेंड है। बीफ टिक्का लाहौर में इतना मज़े का मिलना बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात है यार, ये बहुत मज़े का। अगली दफ़ा हम मिलते हैं, बता दूँ मैं नहीं बताऊंगा
वर्सेस पेट्स रखेंगे और वाकई चस्सा आ गई है।